हाय गाइज, वेलकम टू माय एक्सपर्ट ब्यूटी निखिल चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको यही वाला आई मेकअप लुक शेयर करने वाला हूँ, जो कि ब्लू ग्लिटर आई मेकअप लुक है एंड स्मोकी आई मेकअप। आउटर भी पे मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया है। तो आई होप यू गाइज कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो मेक श्योर लाइक करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने अपने आई पे लगाया है कंसीलर, जो कि मैट लुक का कंसीलर है। मैं सारा इसमें मतलब मैट लुक का ही प्रोडक्ट यूज करने वाला हूँ। बस एक दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैंने दूसरे ब्रांड का यूज कर लिया, बट वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है। एंड ब्लू ग्लिटर आई मेकअप तो यार काफ़ी स्मोकी एंड काफ़ी मतलब प्रिटी सा लुक है। आप किसी भी वेडिंग सीजन या पार्टी में क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही यार ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो। ओनली फॉर 5 मिनट्स में मैंने इसे क्रिएट किया है। एंड एक विवेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड आउट कर लूँगा, ताकि अच्छी तरीके से स्मूथ आ जाए और फिनिशिंग अच्छी आ जाए, कोई क्रीज ना पड़े। आप लोग देख सकते हो मैंने ब्लेंड आउट कर लिया। उसके बाद गाइज मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर दूंगा। ये कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा मैट लुक का ही कॉम्पैक्ट पाउडर है, जो कि काफ़ी अच्छा हाफ एंड हाफ का है, या मैट लुक का हो गाइज बहुत ही अच्छा है। मैंने सुना है कि हाफ एंड हाफ है और मैट लुक दोनों एक ही ब्रांड है। एंड क्योंकि मुझे शॉप वाले ने बताया है कि मैट लुक और हाफ एंड हाफ का एक ही ब्रांड होता है। एंड सेम मैट लुक का मैं काजल लिया हूँ, जो कि ब्लैक काजल है, बिल्कुल स्मोकी ब्लैक काजल है यार। मैं उसी से अपने आउटर भी को डिवाइड कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। फिर मैं आउटर भी से अपने इनर कॉर्नर तक इसी काजल के हेल्प से मैं पूरे क्रीज डिवाइस करूँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो मेरी क्रीज एरिया मैं जस्ट उसी के नीचे नीचे पूरा अपनी लिड पे अप्लाई कर दूंगा काजल, जो कि काफ़ी अच्छा सा लुक देने वाला गाइज। एंड बहुत ही इजी है, इसे कोई भी विगनर से क्रिएट कर सकता है इस आई मेकअप लुक को। एंड मैंने एक स्केच आईलाइनर लिया है गाइज। स्केच आईलाइनर से मैं अच्छे से फिनिशिंग दे देता हूँ, क्योंकि क्रीमी बेस में होता है काजल तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है। और स्केच आईलाइनर है गाइज, तो ये मतलब थोड़ा सा एकदम वाटरी टाइप होता है, तो उसे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने पूरे अपनी आई पे ब्लैक कलर का काजल अप्लाई कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहा है एंड मतलब बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो ये वाला मेकअप लुक बहुत ही ईजी है यार, आप किसी भी वेडिंग सीजन पार्टी में इसे बहुत ही क्विकली क्रिएट कर सकते हो। अभी वेडिंग सीजन चल रही है, आप किसी भी फंक्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन पार्टी या एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी पार्टी हो आपके घर पे एक्सेट्रा, आप इसे बहुत ही क्विक तरीके से, इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हो गाइज। तो फिर उसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से डार्क ब्लू कलर पिक किया है, एंड अपने इनर कॉर्नर से लेकर हाफ लिड तक मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा सा लुक देगा हमें। एंड मतलब बहुत ही स्मोकी सा आई लुक लगने वाला है, बहुत ही ईजी है यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही ईजी आई मेकअप है। आपको इस आई मेकअप में आई लाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जैसे हम लोग आईलाइनर लगाते हैं वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आईलाइनर की जरूरत थी। तो मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर दिया है ब्लू कलर का डार्क ब्लू आई शैडो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार, मतलब लुक कितना अच्छा आ रहा है। मैं आपको एक आई मेकअप एक मतलब अपनी एक तरफ की आई पे मेकअप करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी दोनों आई पे करें, ये नहीं कि नहीं आप एक ही आई पे करें, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ एक आई पे। तो उसके बाद मैं लगा ले रहा हूँ ग्लिटर, जो कि है हल्का सा पर्पल एंड ब्लू कलर में ग्लिटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज, हल्का सा पर्पल ही शेड में है, स्काई ब्लू कलर में। मेरे पास ब्लू कलर का ग्लिटर नहीं था, तो मैंने हल्का सा स्काई ब्लू था वही अप्लाई कर लिया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। मतलब लुक यार काफ़ी फैंटेस्टिक आ रहा है एंड क्लासिकल काफ़ी लग रहा है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो मैंने ये अप्लाई कर लिया ग्लिटर। ये ग्लिटर भी गाइज ग्लैम 21 का ग्लिटर पैलेट है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्लिटर पैलेट है। एंड सेम ग्लैम 21 का मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, सिल्वर कलर का हाईलाइटर, अपने ब्राउ बाउन को हाईलाइट करने के लिए। एंड मैं अपने जस्ट लोअर लेस लाइन में सेम वही काजल अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि मैट लुक का काजल है, ब्लैक काजल। तो मैं अपने हल्का सा लोअर लेस लाइन के नीचे भी वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूँगा, और जस्ट लोअर लेस लाइन में भी थोड़ा सा स्मोकी सा लुक आने के लिए। तो ये मेरा अब मैं एक ब्रश से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर लूँगा। ये मेगा का ब्रश है आई थिंक, हाँ मेगा का ब्रश है शायद गाइज, उसी से मैं ब्लेंड कर ले रहा हूँ काजल को, ताकि अच्छा सा स्मोकी सा लुक है। एंड मैंने पैक की आईलेस लगाई है, ये पैक ब्रांड की आईलेस है, जो कि काफ़ी अच्छी आईलेस है यार। आप इसे मतलब मैं इसे 6 या 7 बार यूज कर रहा हूँ, अभी तक ये कुछ भी इसमें डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाती है। बस आपको अच्छी तरीके से रिमूव करना आना चाहिए और उसे अच्छी तरीके से वॉश करना। तो मैंने उसे अप्लाई कर लिया यार, तो अब आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो गई है। तो मैंने दिखा दिया आईलेस लगाना, आप लोग बोलते हो आईलेस लगाना आप नहीं दिखाते हो, तो चलिए आप हम मेरा फाइनल लुक देख लीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, नहीं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएगी। टैन टैन लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, ये था मेरा आज का लुक, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी और आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।